Hello everyone, I'm going to take your next problem in trial balance. So before I'm going to start our next problem, I'm going to take small revision because some students yesterday facing network issue. So let's see the revision problem first, and after that I'm going to start our new problem. So let's see. So next problem dekhenge hame kya diya hua hai. See, prepare a trial balance from the following balance extract from the books of account of Jayashree Traders as on 31st March 2014. Okay, so यहाँ पे two sided दिए हुए हैं सबसे पहले, ठीक है? So देखेंगे हम लोग one by one उसकी posting कैसे आती है, okay? साथ में हम उसके साथ जो posting amount के साथ posting में तो हर एक की posting भी करेंगे, okay? So capital दिया हुआ है, capital आता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है capital आएगा ही credit side के अंदर, okay? क्योंकि liability part है, अभी आपको ये आपको format तीन problem के बाद आपको format clear होगा ही, ठीक है? So capital है credit side के अंदर आएगा, sundry debtors क्या है? हम लोग का debit side के अंदर asset है, sundry creditors कहाँ पे आएगा? Credit side के अंदर machinery furniture, ये भी क्या है हम लोग का? Machinery furniture हम लोग की asset है, सही है? So ये जाएगा debit side के अंदर, sales दिया हुआ है, ये जाएगा credit side के अंदर, purchases है, वो जाएगा debit side में, opening stock, debit side, उसके बाद goodwill दिया हुआ है, so goodwill भी जाएगा हम लोग का debit side के अंदर, after that office expenses, सही है? So expenses भी जाएगा हम लोग का debit side के अंदर, okay? Goodwill क्या है? Asset, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि एसेट जो रहेगा वो सब आते हैं डेबिट साइड के अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है ये जाएगा क्रेडिट के अंदर, इंटरेस्ट रिसीव्ड सही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी जाएगा हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर, कैश बैलेंस एसेट है डेबिट साइड के अंदर, ओके? सो वन बाय वन हम क्या करेंगे, अभी इसकी पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है कैपिटल, अमाउंट है उसकी 1,50,000, सो कैपिटल 1,50,000 ये जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर, ओके? नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, इसकी अमाउंट है 35,000, सो ये जाएगा डेबिट साइड के अंदर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर्स कितने अमाउंट है 35,000 डेबिट साइड एसेट है हम लोग की, सही है? सो नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 42,000 लाइबिलिटी है, सो ये जाएगा हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर्स ओके सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट दी इसकी क्रेडिट साइड के अंदर आएगी, अमाउंट दिया प्रॉब्लम के अंदर 42,000, ओके? नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को मशीनरी, सही है? मशीनरी जाएंगे हम लोग एसेट है, सो डेबिट साइड के अंदर, मशीनरी एसेट डेबिट साइड के अंदर, इसकी अमाउंट कितनी दी प्रॉब्लम के अंदर हमको, अमाउंट दी हुई मशीनरी की हम लोग को 21,000, ओके? सो मशीनरी डेबिट साइड 21,000, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को आफ्टर मशीनरी फर्नीचर, ओके? फर्नीचर की अमाउंट कितनी दी हुई 19,000, ये भी एसेट हो जाएगा ये डेबिट साइड के अंदर, फर्नीचर डेबिट साइड के अंदर इसकी अमाउंट दी हुई हम लोग को फर्नीचर की भी 19,000, ओके? सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर फर्नीचर के बाद सेल्स दिया हुआ है, सेल्स जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर, अमाउंट है इसकी 2,00,000, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा 2,00,000। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, आफ्टर सेल दिया हुआ है हम लोग को परचेसेस, सही है? परचेसेस आएगा डेबिट साइड के अंदर आता है इसका इफेक्ट, सही है? सो परचेसेस कितना है 1,16,000, परचेसेस 1,60,000, ओके? सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, सॉरी 1,16,000 अमाउंट है परचेसेस की, 1,16,000, सही है? सो
1,16,000 परचेस हो गया, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक एबिट डेबिट बैलेंस है ये जाएगा 1,07,400 डेबिट साइड के अंदर, ओपनिंग स्टॉक तो उसका कितना बैलेंस है ओपनिंग स्टॉक का दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,07,400। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है गुडविल, गुडविल हम लोग की क्या है एसेट है सही है 1,00,000, सो ये जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर 1,00,000। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है आफ्टर गुडविल दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस भी जाएंगे हम लोग के डेबिट साइड में 10,000। ऑफिस एक्सपेंस 10,000 डेबिट साइड। नेक्स्ट वन सिर्फ आपको इसके अंदर क्या करना है कि जो एंट्रीज आते हैं ठीक है उसको देखना है कि डेबिट में कौन से आते हैं क्रेडिट में कौन से आते हैं, जो जो लोगों को अभी भी समझ भी नहीं रहेगा वो फॉर्मेट के हिसाब से सिर्फ पोस्टिंग करना है, इसके अंदर ज्यादा कुछ ऐड लेस कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करना है हम लोग को, सिर्फ क्या करना है कि देखना है क्रेडिट अमाउंट कौन सा है डेबिट अमाउंट में कौन सा आएगा कौन से आइटम्स आते हैं ओके। सो उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है हम लोग की लायबिलिटी है, सो जो लायबिलिटी है वो हम लोग की जाएंगे क्रेडिट साइड के अंदर, जिन्होंने पहले लेक्चर में देखा नहीं रहेगा ट्रायल बैलेंस का, सो उसके अंदर मैंने बताया कि कौन से आइटम्स कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं, सो आप वो देख लीजिए ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है ये है 15,000 आएगा क्रेडिट साइड के अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस outstanding expenses ठीक कितना दिया outstanding expenses की amount 15,000 okay, so ये liability है हम लोग का credit side में जाएगा। next देखेंगे क्या दिया हुआ है, next दिया हुआ है इसके बाद interest received सही है, सो इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पे आता है ये भी हम लोग की क्या है क्रेडिट अमाउंट है, कितना दिया हुआ इंटरेस्ट रिसीव 3,200, सो इंटरेस्ट रिसीव जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर, इंटरेस्ट रिसीव 3,200। लास्ट वन कैश बैलेंस कितना है 1,800, सो ये हम लोग की क्या है एसेट है, सो एसेट्स कम डेबिट साइड। अभी हम क्या करेंगे इन सब के हम टोटल करने वाले हैं, सो उसके हिसाब से हम देखेंगे कितने अमाउंट कहाँ पे आती है ओके, और हम लोग को प्रॉब्लम टैली है या रॉन्ग है मतलब टैली हुआ है या रॉन्ग है हम लोग को टोटल करने के बाद पता चलेगा, जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम किए थे। लेट्स सी ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे ओके, सो देखेंगे हम लोग टैली करके, सो हम वन बाय वन टैली करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड ठीक है, सो डेबिट साइड में फर्स्ट दिया हुआ है सर्टेन डेटर्स 35,000, उसके बाद दिया हुआ है मशीनरी 21,000, उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर 19,000 सही है, उसके बाद क्या दिया हुआ है आफ्टर फर्नीचर, उसके बाद परचेसेस दिया हुआ है 1,16,000 1,16,000, उसके बाद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 1,07,400, आफ्टर दैट दिया हुआ है गुडविल ओके, गुडविल कितना दिया हुआ है 1,00,000
बाद दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000, नेक्स्ट वन दिया हुआ है कैश बैलेंस, सही है। सो कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है 1,800, तो 4,10,200 की आई है इसकी टोटल आई है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 4 लाख, सबसे पहले हम देखेंगे 4,10,200, सही है। सो 4,10,200 डेबिट साइड की टोटल 4,10,200। हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड की भी टोटल करेंगे, अगर दोनों मैच हुई तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, सही होगा, तो पहले होगा, सही है। 1,50,000 फर्स्ट कैपिटल प्लस क्या दिया हुआ है सैलरी क्रेडिटर्स 42,000, उसके बाद दिया हुआ है सेल्स 2 लाख, उसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, नेक्स्ट वन दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव 3,200। सो 4,10,200 ए डेबिट साइड से क्या होती है अमाउंट मैच होती है, मतलब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या है टैली हुआ और सही है, ठीक है। सो 4,10,200, ओके समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। सो ये था हम लोग का। सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। फ्रॉम द बैलेंस गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर रणधीर प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st December 2014। सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या करना है, देखना है कौन सा आइटम डेबिट और क्रेडिट में आता है, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम देखे थे। सो लेट्स सी फर्स्ट कैश इन हैंड, ये हम लोग की क्या है एसेट है। सो कहाँ पे आएगा ये एसेट, हमेशा कहाँ पे आता है डेबिट साइड के अंदर। सो एसेट 200, मैं पोस्टिंग करूंगा वन बाय वन और उसके साथ आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन से अमाउंट और कौन सा आइटम जाती है। सो फर्स्ट इज है कैश इन हैंड, अमाउंट की इसकी और कैश इन हैंड की 200 डेबिट साइड के अंदर 200। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट कैश एट बैंक, सही है। सो कैश एट बैंक में क्या है हम लोग की एसेट है, सो ये भी जाएगा डेबिट साइड के अंदर 2,500। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, सही है। सो कैपिटल अकाउंट क्या है हम लोग की लायबिलिटी है, सो ये जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर 50,000। ओके नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रॉइंग, सही है। ड्रॉइंग हम क्या हम लोगों का पर्सनल एक्सपेंस है, सो ऑल एक्सपेंस अंडर कम और एक्सपेंडिचर डेबिट साइड कितना आएगा ये 5,000 ड्रॉइंग, सही है। सो ड्रॉइंग ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है, ड्रॉइंग दिया हुआ है हम लोग को 5,000 डेबिट साइड के अंदर, क्योंकि हम लोग का क्या है पर्सनल एक्सपेंस है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स, सेल्स क्या है हम लोग का सेल्स हम लोग का आता है क्रेडिट साइड के अंदर, सही है। सो सेल्स क्या है इसकी अमाउंट 35,000, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है हमेशा सेल्स 35,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है परचेसेस, सही है। सो देखेंगे हम लोग कितने अमाउंट की परचेसेस के हम लोग को परचेसेस दिया हुआ है 30,000 ए आएगा डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो परचेसेस हमेशा कहाँ पे आता है डेबिट साइड के अंदर 35,000। परचेसेस कितना दिया हुआ है परचेसेस 30,000 डेबिट साइड के अंदर, ओके।
सो सेल्स 35,000 है और परचेजेस दिया हुआ है 30,000. ओके सो आफ्टर दैट देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है कॉलम के अंदर. नेक्स्ट दिया हुआ है सन्डरी डेटर्स. सही है. सो सन्डरी डेटर्स कितना है हम लोग का? सन्डरी डेटर्स है हम लोग का 32,000. ये क्या हम लोग की एसेट है. सो ये डायरेक्टली जाएगा डेबिट साइड के अंदर. सन्डरी डेटर्स कितना अमाउंट है? 32,000. ओके नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है सन्डरी क्रेडिटर्स. ये है हम लोग की करंट लाइबिलिटी. सो ये जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर सन्डरी क्रेडिटर्स. कितनी अमाउंट है सन्डरी क्रेडिटर्स की? 15,000. सो ये क्रेडिट साइड के अंदर 15,000. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. After sundry creditors, discount allowed. So discount allowed हम लोगों का क्या है? Expense है. So ये जाएगा debit side के अंदर 500. Discount allowed. Discount allowed. सही है. Okay. So उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कमीशन रिसीव. सही है. सो कमीशन रिसीव आएगा ये क्रेडिट साइड के अंदर. ठीक है. कितना दिया हुआ है इसकी अमाउंट कमीशन रिसीव की? 1,000. सो इसकी पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड के अंदर कमीशन रिसीव. कमीशन रिसीव्ड 1,000 फ्रॉम क्रेडिट साइड. आफ्टर दैट नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस. वेजेस अंडरस्कोर इन डेबिट साइड. ओके सो वेजेस भी हम लोग के एक्सपेंस है. ये आएगी डेबिट साइड के अंदर 3,000. वेजेस ओके डेबिट के अंदर 3,000. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी. सैलरी भी हम लोग का एक्सपेंस है तो ये भी आएगा डेबिट साइड के अंदर 1,200. ओके सो सैलरी सैलरी कितना है अमाउंट ये उसकी सैलरी की 1,000. ओके सो ये 1,200. सो ये आएगा डेबिट साइड के अंदर. नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर सैलरी रेंट एंड रेट्स. सो रेंट और रेट्स क्या है? हम रेंट क्या करते हैं? पे करते से. ये भी हम लोगों को क्या है? एक्सपेंसेस है. सही है. सो ये भी आएगा डेबिट साइड के अंदर रेंट एंड रेट्स. अमाउंट है 2,000. रेंट एंड रेट. सही है. सो रेंट एंड रेट्स आएगा डेबिट साइड के अंदर 2,000. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया है परचेस रिटर्न. सही है. सो परचेस रिटर्न आएंगे ये क्रेडिट साइड के अंदर. परचेस रिटर्न अमाउंट दी हुई इसकी परचेस रिटर्न की 200. ये भी आएगा क्रेडिट साइड के अंदर. जैसे हम पोस्टिंग करें परचेस रिटर्न दिया हुआ है 200. नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेल्स रिटर्न. ओके तो सेल्स रिटर्न आएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर. कितना अमाउंट दिया हुआ है? 300. सो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड के अंदर 300 डेबिट साइड के अंदर.
नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर सेल्स रिटर्न प्लांट एंड मशीनरी, सही है। सो प्लांट एंड मशीनरी अभी आएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर, हम लोग की क्या है एसेट है, सही है। सो एसेट भी आएगी हम लोग के डेबिट साइड के अंदर 15,000, प्लांट एंड मशीनरी, सही है। कितने अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी की टोटल, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 15,000, सो ये भी आएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेट्स सब जो है वो काय में आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं, ओके। सो प्लांट एंड मशीनरी 15,000, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है लोन टेकन, सही। लोन कहाँ पे आता है, लोन ही हम लोग की लायबिलिटी है, सो लायबिलिटी फॉर्मेट के हिसाब से कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड के अंदर लायबिलिटी लोन टेकन, लोन, सही है। कितने अमाउंट हुई लोन की हम लोग को 20,000, सो ये आएगा हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, लोन के बाद दिया हुआ है हम लोग को फर्नीचर, फर्नीचर भी हम लोग की क्या है एसेट है, सो एसेट है 5,000, सही है। फर्नीचर दिया हम लोग को 5,000, ये आएगा डेबिट साइड के अंदर एसेट, फर्नीचर 5,000 अंडर डेबिट। नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर फर्नीचर के बाद दिया, फर्नीचर के बाद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, सही है। सो ओपनिंग स्टॉक भी आएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर, अमाउंट है 7,500, सो ओपनिंग स्टॉक 7,500 डेबिट साइड के अंदर। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट के लिए ओपनिंग स्टॉक है हम लोग को, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 7,500, सो इसको भी हम लोग देंगे डेबिट साइड के अंदर ओपनिंग स्टॉक 7,500। नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर ओपनिंग स्टॉक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सही है। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो क्या है हम लोग की, जैसे बताया कि एसेट और एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो आएंगे टोटली डेबिट साइड के अंदर, ओके। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे हम लोग के डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो क्या दिया हुआ है लास्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सही है। अमाउंट कितने दिए हुए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के हम लोग को, अमाउंट दिए हुए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 7,000, सो एक्सपेंसेस अंडर कम डेबिट साइड 7,000। लास्ट क्या दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, सही है। सो हम लोग का जो कैरेज आउटवर्ड दिया है वो भी आएगा हम लोग का कहाँ पे, डेबिट साइड के अंदर। सो इसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग, कैरेज क्या दिया है आउटवर्ड, अमाउंट दी गई इसकी प्रॉब्लम के अंदर हमको 10,000, सो ये आएंगे हम लोग की डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कोई पोस्टिंग रही गया क्या हम लोग की, सो जितने हमने पोस्टिंग थे वन बाय वन करके ले लिए, सो हम क्या करेंगे अब, अभी हमको ये प्रॉब्लम को टैली करना है, अगर दोनों साइड की जो टोटल मैच होगी तो हम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा, ये टैली होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड को टैली करेंगे। सो देखेंगे पहले डेबिट साइड टैली करके, 200 प्लस 2500 प्लस 5000 प्लस कितना दिया है 30,000 प्लस 32,000 प्लस 500 प्लस 3000 प्लस 1200 प्लस 2000 300 15,000 5,000 7,500, उसके बाद में दिया हुआ हम लोग को 7,000
The last one is 10,000. Total I is ki 1,21,200. Okay. So debit side ki total karenge hum log yahan pe sabse pehle jo hame mil di hai total. कैपिटल अकाउंट कितना दिया हुआ है 50,000. उसके बाद में क्या दिया हुआ है सेल्स 35,000. नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000. उसके बाद दिया हुआ है कमीशन रिसीव 1,000. उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को 200. क्या दिया हुआ है परचेस रिटर्न. एंड द लास्ट वन इज लोन कितना दिया हुआ है 20,000. सो 1,21,200 सही है. तो दोनों सब की टोटल क्या हुई हम लोग की मैच हुई. मतलब हम लोग का प्रॉब्लम जो हमने किया है वो सही है. ठीक है 1,21,200. ओके आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा. ठीक है ये हम लोग का ये ट्रायल बैलेंस का आज का लास्ट प्रॉब्लम था. ठीक है जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहेगा आपने उसे मुझे मैसेज कीजिए. आपको अगर इसके अंदर कोई रिपीटेशन चाहिए प्रॉब्लम के अंदर तो आपको मैं जरूर रिपीट करूंगा और एक रिविजन के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक प्रॉब्लम रखने वाला हूँ. ठीक है थैंक यू फॉर ज्वाइन.